इतवारी कविता में आज सुनते हैं सुमन केसरी की कविता एक निश्चित समय पर। एक निश्चित समय पर नींद खुल जाती है, करवट बदल, चादर लपेट, फिर सो जाने का लालच परे ढकेल उठ बैठती है वह, उंगलियां चटकाती, दरवाजे से घुस पलंग के दाहिनी ओर सोई वह, पांवों से टटोल टटोल कर स्लीपर ढूंढ लेती है और सधी उंगलियां उठ खड़े होने तक जूड़ा लपेट चुकी होती हैं। चाय का पानी चढ़ाने, कुकर में दाल रखने, डबल रोटी या पराठा सेकने, सब का एक निश्चित समय है। सब काम समय पर होता है, घड़ी की सुइयों सा जीवन चलता है अविराम। एक निश्चित समय पर नहा धोकर बालों पर फूल और माथे पर बिंदिया वह सजाती है और निश्चित समय पर द्वार के आसपास वह चिड़िया सी मंडराती है। इस टाइम टेबल वाले जीवन में बस एक ही बात अनिश्चित है और वह है उसका खुद से बतिया पाना, खुद की कह पाना और खुद की सुन पाना। अब तो उसे याद भी नहीं कि उसकी अपने से बात करती आवाज कैसी सुनाई पड़ती है, कभी सामने पड़ने पर क्या वह पहचान लेगी खुद को।